हमारा भी कल्चर था, पाकिस्तानी कल्चर था, इस्लामिक कल्चर था। ये देखें, वो बड़ा मजबूत कल्चर था। इंफॉर्मेशन होती है वो नॉर्मली कल्चर के हवाले से सिर्फ यही होती है कि जी किसी मुल्क का, किसी खत्ते का कल्चर जो है वो कल्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो दरअसल कोई एक शख्स नहीं बनाता। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी इनके पास सिर्फ 9 एम्प्लॉयज़ हैं, इनका कल्चर कोई नहीं है। दीवारों पर वैल्यूज़ लिखने से आपके बिहेवियर में क्या वो वैल्यूज़ एग्जिबिट हो रही हैं, एक चीज़ को भी करना और उसको अचीव कर लेना इंतहाई कठिन और मुश्किल काम होता है। जब तक बाय इन नहीं होगा ग्रास रूट लेवल पे, तो कल्चर जो है वो कभी भी आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आएगी। कहते हैं कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी एट ब्रेकफास्ट टेबल। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही बिकद्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक के तआवुन और अब तक के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फ़ीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो हैं रखते हैं। हमारे एक फॉलोवर ने हमें ये कहा था कि सर आप कल्चर के ऊपर बात करें, आप इदारों के ऊपर बात करें, इदारों में किस किस्म का कल्चर होता है, अच्छा कल्चर होता है, बुरा कल्चर होता है, और कल्चर किस तरह से बनता है एक इदारे का। इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल, टॉप नॉच एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द ग्रेट कंसल्टेंट, एचआर कंसल्टेंट। ओडी का नाम है और इनका नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता। इनका मल्टीनेशनल कंपनीज का, नेशनल कंपनीज का एक्सपीरियंस है और करंटली ये अपनी जो कंपनी है, अपनी कंसल्टेंसी है वो रन कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से। इनका नाम है फराज असलम। थैंक यू वेरी मच फराज असलम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन, आई रियली एक्नॉलेज टुडेज मीटिंग एंड आई बिलीव दैट इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन टू बिगिन विद। ग्रेट, एंड बाय द वे आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम श्योर अबाउट इट, दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन इंशाल्लाह ताला, बिकॉज आई एम फॉलोइंग यू ऑन लिंक्डइन और आपकी जो पोस्ट हैं, जो चीज़ें आती हैं, माशाल्लाह जो आप काम इंडस्ट्री में कर रहे हैं, यू आर डूइंग अमेजिंग एंड सुपर। आई फील हम्बल्ड। ग्रेट। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं कल्चर की। पहले तो हमें ये बताइए कि जो कल्चर है ये होता क्या है। थैंक यू हसन, आई बिलीव, देखें कल्चर जो है उसका अगर उर्दू में उसको ट्रांसलेट करें लिटरली तो उसका मतलब सकाफत होता है। अब चैलेंज ये है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। एक तो ये कि किसी मुल्क का कल्चर, किसी खत्ते का कल्चर, किसी ख़ास इलाके का कल्चर, और फिर हम जो तीसरी चौथी बात है वो है ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर। नाउ द चैलेंज इज़ दैट हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो नॉर्मली कल्चर के हवाले से सिर्फ यही होती है कि जी किसी मुल्क का, किसी खत्ते का कल्चर जो है वो कल्चर होता है। इसमें रंग हैं, कपड़े हैं, खाना पीना है, घूमना फिरना है, इसको हम कल्चर समझते हैं। लेकिन जो ही हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो हमें पता चलता है कि दरअसल कल्चर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का नाम है, रवैयों का नाम है, एटीट्यूड का नाम है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि कल्चर मीन्स दिस इज़ हाउ वी डू हेयर, दिस इज़ द एक्शंस विच वी परफॉर्म। एंड आई बिलीव के शायद कॉमन लेवल पर ये जो परसेप्शन है इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है कि कल्चर बुनियादी तौर पर हमारे आदात व अतवार होते हैं, हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारे रवैये होते हैं। ग्रेट, आपने बात की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। फराज, हमें ये बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो बनाता कौन है। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो दरअसल कोई एक शख्स नहीं बनाता, क्योंकि कल्चर जो है वो किसी एक इनफरादी शख्सियत का, शख्स का नाम नहीं है। ये कम से कम दो या दो से ज़्यादा अफराद, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अंडर 10 भी होती हैं, उनका भी एक कल्चर होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी इनके पास सिर्फ 9 एम्प्लॉयज़ हैं, इनका कल्चर कोई नहीं है, उनका भी कल्चर होगा। तो कल्चर को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कम से कम दो या उससे ज़्यादा अफराद जो आदात व अतवार जो हैं अपनाते हैं और उनसे दूसरों के साथ डील करते हैं, उसको कल्चर कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर औकात ये कहा जाता है या बोला जाता है, मैं भी एचआर में, आप भी एचआर में हैं, कि यार फलां इदारे का कल्चर ठीक नहीं है, ये किस तरह हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जो है रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती। छोटा सा टेस्ट है, आप जाइए जा कर के उनसे 5 मिनट जो है वो सलाम दुआ कीजिए उस इदारे में, और एक चक्कर लगा के आइए, लोगों से मुलाकात कीजिए, और जो पहला इंप्रेशन होगा जब आप बाहर निकलेंगे उस इदारे से, जो पहली फीलिंग होगी आपको,
वही होगा उसका लिटमस टेस्ट कि इस इदारे का कल्चर कैसा है। कहना चाहिए इसको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए इस बात को कि जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया, जिस तरह से आपको लुक आफ्टर किया गया, जिस तरह से प्रोफेशनली आपसे डील किया गया, वो तमाम चीज़ें हर इंसान फील कर रहा होता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती, हर बंदा जो है बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा लेता है कि यहाँ पर सर्विस का कल्चर है इस इदारे में, यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म है या नहीं है। सो लिहाजा कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी ऐसे शख्स को जिसने कभी किसी बहुत हाई लेवल डिग्री हासिल ना भी की हो, उसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि इस इदारे का या इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। बिल्कुल ठीक, आपने स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों में काम किया हुआ है, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों के कल्चर्स में? जी, आई थिंक ये बड़ा अहम सवाल हसन आपने पूछा। फ्रेंकली मैं भी इस कहने चाहिए कि सर्च में मैंने बहुत साल जो है वो अपने इसको रिसर्च करता रहा, इसको ऑब्ज़र्व करता रहा। और एज़ यू नो मेरा जो था करियर जो स्टार्ट था वो एज़ अ ट्रेनिंग कंसल्टेंट था और एकेडेमिया था, एंड आई यूज़ टू टीच ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसमें ज़ाहिर है कल्चर होता है, एक पूरा सब्जेक्ट है, तो उस पर मैंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ाई। एंड देन ऑफ कोर्स जब आप केस स्टडीज़ पढ़ते हैं दूसरे ममालिक की, तो वहाँ बड़ी ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट आपको नज़र आती है उन केस स्टडीज़ में, कि बहुत एक जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब आप अपने लोकल इदारों में देखते हैं तो आपको लगता था कि जैसे शायद कुछ गैप है, कुछ कमी है। तो इसी सवाल ने जो आपने मुझसे पूछा, दैट एक्चुअली हैड कैप्ट माई माइंड ऑक्यूपाइड फॉर मैनी ईयर्स, एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन द सर्च ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरा जो मैंने समझा है, आई एम श्योर देर विल बी एक्सपर्ट्स हु विल बी नोइंग इट मच मोर देन व्हाट आई एम सेइंग, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि इवेंचुअली इट इज़ द प्रोफेशनलिज्म इन द लेट्स से डेवलप्ड वर्ल्ड वर्सेस द यू नो प्रोफेशनलिज्म विच वी एग्जिबिट हियर इन पाकिस्तान। सो वही बात जो मैंने पहले कही कि आदात, एटीट्यूड, रवैये, उसी चीज़ को स्ट्रक्चर करके जो है वो जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, और उसी से अपनी जिसे कहते हैं ना प्रॉफिटेबिलिटी भी, अपनी कस्टमर सर्विस भी उसको इम्प्रूव करती हैं। जबकि इसकी फ्लिप साइड जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर है कि एक लोकल कॉन्टेक्स्ट में वो उस तरह से वो आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छा, अगर जब हम बात करते हैं कल्चर की तो हमारे जहन में ना इदारों की वैल्यूज़ आती हैं कि यार वैल्यूज़ इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल जब हर इदारा बना लेता है। जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे फॉलोवर्स ने कहा कि उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछूं कि एक तो ये कि कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो एक इदारे में होनी चाहिए और किस तरह से हम उन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। हम लिखवा तो देते हैं और अच्छी जगह पर लिखी तो होती हैं, नज़र भी आ रहा होता है आते जाते, इम्प्लीमेंट किस तरह से करनी है? दो क्वेश्चन है, कितनी वैल्यूज़ एक इदारे में होनी चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है? देखें, वैल्यूज़ जो हैं वो तो किसी ने दीवारों पे 10-10 भी लिखी होती हैं, ठीक है, कोई जो है वो 3-4 भी लिख के बैठा होता है। दीवारों पे वैल्यूज़ लिखने से आपके बिहेवियर में क्या वो वैल्यूज़ एग्जिबिट हो रही हैं, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। तो स्पेसिफिकली आपका जो सवाल है ये पहला पार्ट कि कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो मेरा तो ख्याल है कि एक भी काफ़ी है। और हकीकतन अगर आप देखें, आई एम अ सर्टिफाइड लीडरशिप कोच, एंड जो मैंने कोचिंग खुद हासिल की जब, तो मुझे बताया गया कि अगर आपने किसी को कोच करना है तो एक भी आदत काफ़ी है, एक भी कॉम्पिटेंसी के ऊपर काम करना काफ़ी है फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months। तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि हम नॉर्मली समझते हैं कि जब आपने कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी है उसमें को 5-7 चीज़ें तो कम अज़ कम होनी चाहिए। लेकिन देन आई रियलाइज दैट बेसिकली किसी एक चीज़ को भी करना, उसको फोकस से, तवज्जो से करना और उसको अचीव कर लेना इंतहाई कठिन और मुश्किल काम होता है। सो लिहाजा मेरा तो यही रिकमेंडेशन होगा कि वैल्यूज़ जो हैं वो 2-3 मैक्सिमम 3 से ज़्यादा ना हो तो मुनासिब है। उसकी क्या वजह है हसन? उसकी वजह ये कि ह्यूमन मेमोरी जो है उसकी कैपेसिटी है किसी चीज़ को याद रखने की। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को या ऑर्गेनाइजेशन में 10 वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस करवा देंगे और आप CEO से भी पूछेंगे कि यार तुम्हारी वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो भी दराज में या दीवार पर कहीं ढूंढ रहा होगा कि यार लिखी हुई है तो मैं बता दूँ। तो इसका मतलब है कि उसके जहन में वो चीज़ जो है उसने इम्प्रिंट नहीं बनाया। सो इसीलिए शायद एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं वो 3-4 से ज़्यादा या मैक्सिमम 5 से ज़्यादा ना हो। सो लिहाजा एक तो पार्ट ये हो गया आपके सवाल का जो आंसर था, दूसरा ये कि वो फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए। अब देखें, बड़ी इंटरेस्टिंगली आई एम श्योर आप भी IT इंडस्ट्री से आपका बैकग्राउंड रहा है, मैंने भी एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ एकेडमिशियन भी, इवन मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं उनको
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और साइकोलॉजी पढ़ाई है और आजकल भी मैं कंसल्टिंग करता हूँ, ट्रेनिंग्स भी करता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि कल्चर जो है वो शायद उसको ये समझ लिया गया है कि ये कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने का नाम होता है और या शायद कोई जो है ये पिज़्ज़ा पार्टी जो होती है उसको ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अच्छा कल्चर कहते हैं। कोई आ जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो ज्वाइन करता है तो उसको बड़ा सा एक चॉकलेट का बॉक्स दे दें तो ये कल्चर होता है। तो वो मैं जिनको कंसल्ट कर रहा होता हूँ तो CEOs को या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, वो मुझे कहते हैं कि जी हमें कल्चर इस तरह का बना के दें कि जब एक नज़र आए कि यहाँ पर होता है। अब इशू ये है कि ठीक है, अच्छी बात है, इन चीज़ों का भी ताल्लुक है, लेकिन दरअसल जो हकीकत है वो ये है कि वो जो हनीमून पीरियड जब ख़त्म होगा, जब वो चॉकलेट्स खाई जाएंगी, तो कल्चर तो उसके बाद शुरू होगा, ठीक है ना। तो मेहमान नवाजी जो है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी, उसके बाद आपके रवैये, आपकी आदत व अतवार, आपके मामलात, आपकी हैबिट्स वो सामने आएंगी। सो प्रिसाइसली टू आंसर योर क्वेश्चन, दैट इज़ दैट इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अ कल्चर यू हैव टू वर्क ऑन द टाइनी लिटल हैबिट्स एंड इंटरेक्शंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल वाइल दे आर वर्किंग विद इन देमसेल्व्स और व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल अराउंड। अच्छा फराज, आप लीडर्स को कोच करते हैं और लीडर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कल्चर को बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। जो लीडर्स हमें देख रहे हैं इस टाइम राइट नाउ, हमें जॉब सीकर्स भी देख रहे हैं, जॉब प्रोवाइडर्स भी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि कल्चर अगर बनाना है तो आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है एज ए लीडर? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि क्या टॉप डाउन, आप श्योर सब हम जानते हैं टॉप डाउन का मतलब है कि जो टॉप टीम या CEO या चेयरमैन या जो ऊपर जो टीम बैठी हुई डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो क्या कल्चर समझते हैं कि वो करना चाहते हैं, उस पर लाना चाहते हैं इदारे में, और ऑफ़ कोर्स उसकी बिज़नेस की या उसकी जो भी इदारे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसी को मैच करने के लिए वो ये चाह रहे होते हैं। तो एक तो वो है टॉप डाउन, लेकिन मसला ये है कि टॉप डाउन से अगर कल्चर्स इंप्लीमेंट होते होते हसन, तो आई एम श्योर कि हमारे मुल्क में तो बहुत पहले हो गए होते, प्रोफेशनलिज्म बहुत पहले आ गया होता। लेकिन इशू ये है कि जब तक बाय इन नहीं होगा ग्रास रूट लेवल पे, तो कल्चर जो है वो कभी भी आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आएगी। अब अगला सवाल यह आता है कि आप बाय इन कैसे क्रिएट करेंगे, तो जाहिर है उसके लिए आपको एंगेज करना पड़ेगा। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो जब तक उसमें शामिल नहीं होंगे उस प्रोसेस में, तो तब तक जो है वो इम्प्लीमेंट। देखें सिंपल सी बात है, आप एक इदारे में चाहते हैं कि लेट्स से कस्टमर सर्विस का कल्चर हो, ठीक है, CEO ने ईमेल भी निकाल दी, उसने बड़ा एम्फेसिस भी दे दिया, टाउन हॉल में डिस्कशन भी कर दी, एक कंसल्टेंट भी आ गया और सारा कुछ के जी ठीक है जी, कस्टमर सर्विस बहुत हमारी ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर हमारा इदारा नहीं चल सकता, ठीक है। लेकिन वो जो सुनने वाले और जो करने वाले हैं उनको गाइडेंस चाहिए, अच्छा भाई कैसे करेंगे कस्टमर सर्विस। यकीन करें मैंने कई बड़े अच्छे अच्छे कस्टमर सर्विस रिलेटेड इदारे जो हैं उनमें एज अ कंसल्टेंट एज अ ट्रेनर काम किया, और पब्लिक सर्विस जो कि पब्लिक के इदारे हैं उनमें भी। बड़ी फ़नी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप उनसे पूछते हैं कि जी आपका कोर काम क्या है, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो वो कहते हैं जी हमारा कोर काम जो है वो मिसाल के तौर पे यू नो मेंटेनेंस है या प्रोक्योरमेंट है, वो कस्टमर सर्विस को उसमें से वो माइनस ही कर देते हैं। या अगर आप उनसे पूछते हैं कि जी आपको पता है कि इंटरनल कस्टमर्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो लोग क्लूलेस होते हैं एंड दे आर इन द बिजनेस ऑफ कस्टमर सर्विस। नाउ द बिग क्वेश्चन इज़ दैट इसको हम उनकी कोई खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इनकॉम्पिटेंट मैं इनको कह रहा हूँ या उनकी कोई नालायकी तसव्वुर करनी चाहिए, मैं जो जिस बात पे इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उन्हें एंगेजमेंट की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसके ज़रिए आप उनको स्केल अप करेंगे ताकि वो जो टॉप मैनेजमेंट है उनका जो विज़न है और जो रिक्वायरमेंट है बिज़नेस की या इदारे की उसको नीचे से भी सपोर्ट मिले। अदरवाइज़ वो कल्चर जो है वो जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा बेपैंदे का जो जो कप है उसमें से वो इतनी स्ट्रेटजीज जो हैं वो निकल जाएंगी। बड़ा अच्छा जुमला है, आई एम श्योर हम सब जानते हैं, कहते हैं कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी एट ब्रेकफास्ट टेबल। तो लिहाजा अगर आपका जो कल्चर है वो साजगार नहीं होगा सीखने के लिए सिखाने के लिए, तो आप जितनी मर्जी स्ट्रेटजी बना लें उसको इम्प्लीमेंट करने की वो ज़ाया हो जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड मैं जब आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहा था तो हमारे एक बड़े सीजन प्रोफेशनल हैं, लिंक्डइन पे हमें फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा था यार ये सवाल आपने ज़रूर पूछना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी आई आस्क। उन्होंने कहा जी कल्चर जो है वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन को किस तरह से इफेक्ट करता है? हसन आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और फ्रेंकली आप अगर देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो
IT रेवोल्यूशन आया है या आप डिजिटल, जिसे आप कहते हैं डिजिटल एज आ गई है, 4.0, इंडस्ट्री 4.0 कहलाता है, इसमें बहुत आसानी से हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने ये सारा सिनेरियो और ये सारा सीन मंजरनामा बदलते देखा है। इसमें हुआ ये है कि पहले ये समझते थे कि हम कि शायद इंडस्ट्री से और मशीनरी से और टेक्नोलॉजी से जो है वो हम ब्रेक थ्रू कर लेंगे और अचीवमेंट कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि दरअसल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं, इफ़ नॉट ट्रिलियंस, उनका नुकसान होता है इदारों में सालाना बिकॉज ऑफ कल्चर, बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेशनलिज्म नॉन एग्जिस्टिंग। तो लिहाजा वो जो उसकी आपने कहा ना टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या अहमियत है, देखें ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इसमें आई एम श्योर जो कहना चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या CEO चेयरमैन हैं ऑर्गेनाइजेशन के, HR वाले हैं, वो सुबह शाम इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, एक एम्प्लॉई इंगेज्ड नहीं है और उसकी क्या आउटपुट आ रही है, हो सकता है वो अपनी जो एक्चुअल आउटपुट है उसका 10-20% देता हो, 70% या 60% उसको बरुए कार ना लाए, और एक ऐसा एम्प्लॉई है कि जो बेसिकली उस सारे कल्चर की वजह से अपनी खो चुका हुआ है, जिसे कहते हैं ना एनर्जी खो चुका हुआ है, तो वो उल्टा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सोर्स ऑफ टॉक्सिक कल्चर का जो है उसको वो ऐड कर रहा होता है। तो अगर आप कल्चर पे काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे और एम्प्लॉई ट्रेनिंग पे काम नहीं करेंगे, तो उसके दो नुकसान हैं, एक तो ये कि आप जो फुल पोटेंशियल है जो 100% है 80% है उसको नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे एम्प्लॉयज़ का, और दूसरा ये कि आप ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके इदारे में आ जाएंगे जो बेसिकली टॉक्सिक कल्चर को प्रमोट करेंगे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव, योर अमेजिंग, वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हसन, इट वॉज रियली नाइस। Any final work did about Qasim Malik Shah Foundation, please go ahead. Yeah, so I think frankly whenever I come here, I believe this is one not a institution, but main isko agar apne lafzon mein kahun to mujhe ye dargah lagti hai, in the sense ke yahan par jo khaas taur pe main jiska zikr karna chahta hu ye hai ke culture pe humne aaj baat ki to hamara bhi culture tha, Pakistani culture tha, Islamic culture tha, aur ye main khaas taur pe aaj ye message dena chahta hu ke dekhen wo bada mazboot culture tha, और शायद पिछले 10-20 सालों में स्मार्टफोन आने की वजह से, यूट्यूब वीडियो आने की वजह से हमने अपने कल्चर को जो है वो खो दिया या खोने जा रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा जो कल्चर है उसमें इतनी ताकत है, उसमें इतनी कुव्वत है कि वो दुनिया पे जो है वो उसे उसकी लीडरशिप जो है वो उसके ज़रिए की जा सकती है, और इसलिए मैं जब इस दायरे में आता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एटलीस्ट उस चीज़ को जो है रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और फ्रैंकली एक और बात मैं इस प्लेटफॉर्म से कहता चलूं कि ये बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान की, और ना सिर्फ इस पाकिस्तान की बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड की एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड की, क्योंकि जो हमारा परसेप्शन है एज अ पीपल एज कंट्री उसमें ये इदारा बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, और लिहाजा जो कल्चर है वो तो एक ही कल्चर है इवेंचुअली, और वो कल्चर है मोहब्बत का, खलूस का, प्यार का, और रंग जो है वो आपको पता है एक ही है, और अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में लिखा है कि सिबगत अल्लाह, रंग तो अल्लाह का ही है, और वो रंग जो है जब चढ़ जाता है तो फिर उसके बाद कोई रंग जो है वो उसके सामने सारे मान पड़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सफ़र में कासिम अली शाह साहब खुद और आप तमाम लोगों की टीम जो है वो इसको रिवाइव कर रही है, और माशाल्लाह बड़ा शानदार काम कर रही है, तो मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके लिए और नेक तमन्नाएं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ थे फराज असलम जो कि कैफ ह्यूमन एक्सीलेंस के CEO हैं। इन्होंने हमें बताया कि कल्चर जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, कल्चर होता क्या है, और एक बेहतरीन कल्चर किस तरह से बनता है एक इदारे में। लोग बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक गलत एंट्री अगर HR वाले ने करवा दी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या, यानी टॉक्सिक बंदा एंटर हो गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टॉक्सिक कल्चर बन गया, वो भी उन्होंने हमें बताया कि वो नहीं करना है आपने। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक एक नए केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।